केवल पंजाबी देख रहे दर्शकों दा केवल पंजाबी चैनल पर स्वागत है। मैं हरविंदर रोपड़ तो मेरे को अच्छ पहुँचे ने सरदार अशोक कुमार पुत्र श्री रोइया राम जी जो कि NFLL नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नंगल के एक छोटे जे मुलाजम सन। इन्होंने 2017 तो लैके हूँ तक ठेकेदार ने नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मुलाजमान ने पुलिस के मुलाजमान ने इन्ना तशद्दुद किया है कि हुण भी इंसाफ लई हुण भी कह रहे हैं कि साड़ी जान को खतरा है। ये साढ़े को पहुंचे ने एवन पंजाबी के दफ्तर में। मैं अशोक कुमार जी को पूछना चाहता अशोक कुमार जी जरा ब्रीफली दस दिए सू की हो कितने आप मुलाजम सी। मेरा नाम अशोक कुमार जी सन ऑफ श्री रोइया राम बी कॉम पास हाँ SC वाल्मीकि कास्ट में बिलोंग कर रहा। मैं 1996 मैसेज रैना कंस्ट्रक्शन कंपनी और सुनील कुमार रैना की सप्लाई के हेठ NFL नंबर काम करना शुरू किया। 1996 नवंबर की पेमेंट दे रही मैं रैना ठेकेदार ने पुल चौकी नवा नंबर बुलाया 5:30 के लगभग 7 January 1997 मैं जो पूछता है एक पुलिस का कौन बाई नेम अरुण कुमार पुरी जो कि अपने आप को हिंदी दैनिक जागरण पेपर का प्रेस रिपोर्टर का होता है वो एक उस समय शिवसेना का जनरल सैकटरी भी रहा है और वो खास एक पुलिस का टॉन्ट है और उसकी मदद के नाल ठेकेदार ने मेरे खिलाफ एक झूठी दरखास्त जो दर्ज कराई और उस बेस से जिस तरह मैं हाजिर हूँ पुलिस चौकी के जब कि मेरी ना तो पुलिस मुलाजमान ना ठेकेदार ना ना प्रेस रिपोर्टर ना मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आपने सिर्फ उसे तनख्वाह लेने लिए बुलाया सी उल्टा थोड़े ते FIR इन्होंने दरखास्त लिखा दी है। ठीक है हाँ जी जो मैं एंटर करता है पुलिस चौकी नवा नंगल ठेकेदार की प्रेस रिपोर्टर का चट पुलिस मुलाजमान आख दी है कि साथियों ए लो चमार चूड़ा चूड़ा चमार जरा है शिकार थोड़ा आ चुका है। तुरंत मैं पुलिस मुलाजमान ना जाने उन्होंने नशा किया हुआ था कि उन्होंने मैंने हाथ कड़ी तुरंत लगाई मेरी 5-7 बजे पिटाई करना शुरू कर दी। उन्होंने सीखा अंदर बंद करता तुरंत एक बंदा पिंड वास तो तहसील नंगल का बाई नेम शादी लाल और वो आए उन्होंने मेरी हाथ कड़ी लगी हुई देखी और उन्होंने एडिशनल सिविल जज आनंदपुर साहब के अपने बयान भी दर्ज करवाए है। ये मेरे पास कॉपी है बयान की और होंगे क्या है कि मैं पेमेंट का नहीं भुगतान होता है तो उस दिन मैंने अपने बचाव के लिए ही डॉक्टर गुलाटी किनार होस्पिटल BBMB उत्थे पुछता किया जाता है पैसे की लाच दी जाती है कि पैसे जिन्ना मर्जी ले लो तुम मुराजा रिपोर्ट अशोक के खिलाफ बना देवो ये को साढ़े पास बहुत नजायज चीज़ा जड़ियाँ बरामद हो चुकी हैं और बड़े बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि डॉक्टर गुलाटी साहब उन्होंने उन्होंने इस साजिश प्लैन के ना आने हो मुलाजा रिपोर्ट तैयार करने तो इग्नोर कर दिता जिस दे नाल पुलिस ठेकेदार प्रेस रिपोर्टर की प्लैन का भांडा फोड़ होया मैनू गड्डी के बिठा के पुलिस चौंकी दोबारा जरा है नवा नंगल लिया जाता है कोरे पेपर से सिग्नेचर करवा के पुलिस कस्टडी में था। क्या करना मैं मेरे तो जोरावरी जो सिग्नेचर ले रात 11:30 के लगभग 7 January 1997 मैंने इन्होंने छोड़िया। अगले दिन NFL जो मैं ड्यूटी पर जाता है NFL की मैनेजमेंट BMS उन्होंने जो पता लगता है सारे लोग 4:30 के लगभग मेरी छुट्टी करवा के पुलिस चौकी नवा नंगल हाजिर होंगे हैं और चौकी इंचार्ज दीदार सिंह उन्होंने तो भी पूछा जाता है और मेरे बयान जो होंगे हैं और उस तो मेरे बयान तो साबित हो जाता है ठेकेदार प्रेस रिपोर्टर ये अपना जुर्म कबूल करते हैं कि असी एक झूठी FIR दर्ज करवाई कि अशोक के खिलाफ सानू माफ कर दो। पुलिस स्टाफ तो पूछा जाता है कि जब FIR ही झूठी थी दरखास्त ही झूठी थी फिर तुम अशोक को हाथ खड़ी लगा के पिटाई किस तरह की और हाथ खड़ी की भी खोली तो पुलिस स्टाफ माफिया मांग रही है कि सानू 15 मिनट देते जाए अशोक जिन्नी पैसे की मांग करता है अशोक को असं 19 लाख दे देवे साढ़े नाल अशोक का कॉम्प्रोमाइज करा दो कोई अगलेरी कानूनी तौर पर कार्रवाई ना की जाए और मैं उधर तो इन्होंने नाल कोई भी सुलह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अशोक कुमार जी तुम 1997 तो लैके 2020 आ गया है मेरे को अशोक कुमार जी ने बहुत सारे फोर्स प्रूफ पेश किए हैं केवल पंजाबी के दफ्तर में
AGP पंजाब चंडीगढ़ वालों SSP साहब रोपड़ को लिखी हुई चिट्ठी कि उन्होंने व्यक्तियों के विरुद्ध FIR लॉज की जाए पर FIR उन्होंने विरुद्ध हम तक लॉज नहीं हुई। यह अशोक कुमार जी ने CBI तो जो इनक्वायरी हुई है ये उन्होंने अशोक कुमार जी को बेदोष मनिया है, लिखा है कि इन्हों के नाल बेहथा बेदोशा बेथहा तशद्दुद किया गया है, हथकड़ी लगाई गई है, टॉर्चर किया गया है, इन्हों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो पुलिस मुलाजम से उस टाइम के ठेकेदार एक प्रेस रिपोर्टर है जिन्हों का यह नाम लै रहे हैं। ये उस टाइम के इन्हों के फोर्स प्रूफ न्यूज़पेपर अजीत जगबाणी तो होर जो न्यूज़पेपर ने उन्होंने कटिंगा जो इन्होंने बीती सी उस टाइम लगिया सी। इन्होंने कोर्ट केस ने जिला ते सैशन जज आनंदपुर साहब ने वो भी इन्हों जो कोर्ट केस से लास्ट के इन्होंने मेरे को एक पेश की है इन्हों जो लास्ट के हम तक लड़ रहे ने अशोक कुमार जी इन्हों 4207 नंबर केस क्रिमिनल SB CC 29 इनका हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पेंडिंग है सुनवाई के लिए 11/3/2014 तो यह जो भी इन्हों का केस निकलेगा। चलो मैं पहला भी कह चुका हाँ कि अदालतों के फैसले बड़े लंबे होंगे ने लोग अदालतों के फैसले डीकते डीकते बुढ़े हो गए, कुछ लोग कबरों में तुर गए, कुछ लोग अदालतों के फैसले सुनते सुनते कमरे हो गए, पागल हो गए, मैंटली तौर पर अपसैट हो गए। साड़िया अदालत किस तरह काम कर दें सानू भी पता है, हिंदुस्तान की पुलिस किस तरह काम करती है वो असं भी देख सकते हैं। मैं अशोक कुमार जी पूछना चाहना ये कह रहे हैं कि सानू हूँ भी उन्होंने तो जान का खतरा है, ये हूँ केस लड़ रहे हैं, ये वो केस हूँ भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के केस लड़ रहे हैं छोटे कुर्तों को पहुँचते ये हूँ कह रहे हैं कि सानू उन्होंने जान तो खतरा आ गई। अशोक कुमार जी की कहना आपने ये बारे मेरी मीडिया अगर बेनती है जी कि जुडिशियल अथॉरिटी जी साडे संविधान के रखवाले है जी मीडिया भी रखवाले है जी मीडिया और अदालत क्योंकि मीडिया भी अदालत है। बहुत बढ़िया गल की जी और मेरी बेनती है जी कि जुडिशियल अथॉरिटीज जुडिशियल ऑयल यूज करते हुए जी बिना किसी लाच दवा हेठ आते हुए जी कोई ऐसी कुताही ना करे जी कि कोई बेकसूर बंदा जुर्म का शिकार हो जाए। जुर्म का शिकार तो मैं ऐसे तरीके हो गया, बड़े बड़े दुख की गल है, रिकॉर्ड कोर्ट फाइल के बीचों खत्म करवाने वाले ने करवाता और करने वाले ने करता क्योंकि कोर्ट का स्टाफ एक जुडिशियल नॉट अथॉरिटी है, यह रिकॉर्ड खत्म हो चुका है। और बड़े दुख की गल है कि लोअर कोर्ट आनंदपुर साहब दिया अदालतों ने रिकॉर्ड खत्म करने वाले और करवाने वाले दोनों बरी किया है। अपील मैं दर्ज करवाई है सैशन जज रोपड़ और एडिशनल सैशन जज रोपड़ दोनों अपील एको दिन ना जाने के चढ़ावा कि चढ़ गया कि वह अपील भी खारिज कर दी है जबकि रिकॉर्ड खत्म करने वाले और करवाने वाले गवर्नर भी एक भारत देश का वरी नहीं कर सकता, लेकिन इन पांच जज साहबान ने एक ने सबूत खत्म करवाए और दो एक लोअर कोर्ट के दो जज साहबान ने दोषी वरी किया और सैशन कोर्ट रोपड़ के भी दो जज साहबान जो मेन है साढ़े सैशन कोर्ट के उन्होंने भी वरी किया। अशोक कुमार जी जो हिंदुस्तान दाड़िया पंजाब दिया इंडिया दो अदालतों ने सबूतों के उत्ते टेकिया हुई ने असी जज साहब से कोई किंतु परंतु करना अदालतों से किंतु परंतु करना तो उन्होंने की किया है किस तरह के उन्होंने प्रूफ पैदा किए हैं ये भी कानूनी जी गल होएगी वक्त तो पहला की गल होएगी। कोर्ट के जो फैसले ने जज साहब करते हैं सबूत प्रूफा के आधार पर किए जाते हैं। आप ठेकेदार साहब ने प्रेस रिपोर्टर ने जोड़े पुलिस मुलाजमान ने टॉर्चर किया है हथकड़ी लाई है सारी रात टॉर्चर किया है फिर तेजे इन्ना दबाव आ गया है कि हम 2020 हो है तुम 2020 तक भी जूझ रहे हो आप की चाहते हैं उन्होंने विरुद्ध की कार्रवाई चाहते हैं। ये जोड़े मुलाजम ने जिन्होंने बना रहे हैं पत्रकार ने पुलिस मुलाजम ने या होर ठेकेदार ने जिन्होंने तुम्हें इस तरह किया उन्होंने विरुद्ध आप मेरे दफ्तर पहुँचे हो जी आया इवन पंजाबी वालों तुम्हारा दफ्तर पहुँचने भी स्वागत है आप उन्होंने बारे की चाहते हैं। मेरी हरविंदर भाजी बेनती है जी कि मैं समाज की नज़र में तो बहुत ज़्यादा हराश होया सुया टॉर्चर लेकिन मैं जुडिशियल भी बेहतर टॉर्चर हो चुके वहाँ आखिर हाई कोर्ट तक जो मैं पूछा है फाइनल आर्गूमेंट तो बाद मिट्टी 11/3/2014
मैडम हरीत कौर की अदालत दे विच मेजर ऑफेंस नाल रिलेटेड ये जिहड़ा केस है सुर्खियां दे विच आया है और रिकॉर्ड खत्म जिहड़ा कोर्ट दे विच होया है इस चीज नूं मद्देनजर रखदे होए कि मैनूं कहा गया कि मार्च 17 तक मार्च 2017 तक अशोक तेरे केस की सनोटी वाइज टर्न आ जाएगी फैसला सुना दिता जाऊंगा पर अजे तक फैसला सुनाया नहीं है और मैं भी जीता है और मैं इंज लगता है कि मैं जम ने अपने पास बुला तो पहला ना जाने यह जो दोषी लोग है कोर्ट के फैसले तो पहला कि मैं जम राज तक ना पहुंचा दे ये मैं खतरा है मैं हरविंदर भाई भी बोलना मीडिया को मां जो भारत सरकार की अथॉरिटी अगे भी मांग करता है और जुडिशियल अथॉरिटी अगे भी मांग करता है कि असी एक भारत आजाद देश के वासी है एक गुलाम देश के वासी नहीं अगर मैंने इंसाफ बेहतर टाइम नहीं मिलता है मैं समझागा कि मैं अज भी एक गुलाम देश का ही वासी बहुत वधिया गल की अशोक कुमार जी ने मैं पहला भी बेनती करी है मैं पहला भी कहा है कि अदालतों के फैसले उड़ीकते उड़ीकते लोग बुढ़े हो गए कुछ कबरों में चले गए जदों तक अदालतों के फैसले आते हैं उदों तक बंदा जो कमला हो जाता है पागल मैंटली अपसैट हो जाता है अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि उन्होंने जान तो खतरा है साढ़े दफ्तर पहुँचे ने मैं हम बेनती करता प्रशासन को जो भी इन्होंने केस न संबंधित ने बहुत सारे इन्होंने ठोस प्रूफ ने CBI के प्रूफ अदालतों के प्रूफ हाईकोर्ट के प्रूफ इन्होंने विरुद्ध जो FIR दर्ज हुई है इन्होंने करवाई है उन्होंने लोगों के विरुद्ध FIR हूँ तक दर्ज नहीं की गई जदों के एक वड्डे अफसर चंडीगढ़ तो लिख रहे हैं SSP साहब को कि उन्होंने विरुद्ध FIR दर्ज की जाए एक मैं ये अशोक कुमार जी की गल भी सहमत होना पैना क्योंकि एक साडे जुडिशियल दे ही हादसे वाली गल है जुडिशियल जो साडा न्यायपालिका है हादसे वाली गल है कि एक बहुत वड्डा अफसर IG रैंक का चंडीगढ़ तो लिख रहे SSP साहब को भी इन्होंने विरुद्ध कार्रवाई की जाए तो 1997 तो लैके 2020 तक FIR दर्ज नहीं हो रही तो वो लोग खुले फिरते ने इन्हों धमकियां देंगे ने इन्होंने हम बेनती की है साढ़े दफ्तर आके कि इन्हों जो इन्होंने अपने शब्द बोले ने कि इन्हों की जो जान माल की है राखी की जाए कोर्ट का फैसला जदों आएगा उन्होंने विरुद्ध आएगा तो बहुत वधिया है जो लोगों ने तशद्द इन्होंने अशोक कुमार जी ने झल्लिया है इन्हों थोड़ी शांति मिलेगी चलो कोर्ट में जाके ही मेरी सुनवाई हुई है मेरी हम प्रशासन तो मांग है अशोक कुमार जी वालों भी अपने चैनल वालों भी कि इन्हों की जान माल की राखी की जाए जे इन्हों कोई नुकसान होंगे है ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये जिम्मेवार कौन है तुम इस चीज की बेनती है जी मीडिया के अगे और जुडिशियल अथॉरिटी के अगे कि जो कोर्ट की प्रोसैस है 1997 तो 2020 आ गया जी 23 साल हो गए आखिरकार इसकी कोई लिमिटेशन है जी ये देखते हैं कि बंदा मरता क्यों नहीं है एनी एफर्ट्स करने वाला जो जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला है और कुत्ते की मौत मर जाए तो कहता है कह सकते हैं कि बाढ़ खेत को खा रही है सो इस करके बेनती है कि इस केस को ना ज्यादा लटकाते हुए कति तो 2014 का एडमिटेड केस है इस केस का फैसला तुरंत कर दिया जाए जो DGP पंजाब पुलिस बहुत स्पैशल ऑर्डर SSP रोपड़ को किया गया है और SSP रोपड़ के पक्षों और बकायदा DC पक्षों स्पैशली रिकमेंडेशन है अप्रोच है कि DSP नगर तथ्यों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए FIR दर्ज कर ले लेकिन वह तथ्यों व सबूतों को टोटली नज़रअंदाज रखते हुए खतरा मेरा नुकसान कर सकते हैं कोई ना है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिए मीडिया के सामने चंगी गल है जेडे लोग ने अपन टॉर्चर किया ठेकेदार साहब ने उन्होंने नाम होगा प्रेस रिपोर्टर उन्होंने नाम लै रहे हो जरा दोबारा ना सू उजागर कर दो चैनल हरविंदर भाई देखो एक मुख तौर पर मैसेज रैना कंस्ट्रक्शन कंपनी और सुनील कुमार रैना जी ये लेबर सप्लायर ठेकेदार जी और जो ठेकेदार है और ये बंदा क्या काम करता था नंगल में रेंदे हुए क्या नहीं मौजूद है जिन्हें प्रेस रिपोर्टर ने आ न्यूज अपने पेपर के हाईलाइट की है इस होर घटना के संबंध में ये वो जानते हैं कि इस बंदे का इंटरनली अंदरूनी तौर पर कि पेशा करता था जिन्हें
सारे ही मैनेजर्स लोग इन्हें फिर नंगल दे और इन्होंने अपने कब्जे में लै रखे थे और जिन्हें भी प्रेस रिपोर्टर्स ने अपने न्यूज़पेपर दे विच हाईलाइट की है एक घटना इस दे विच एनएफएल दे मैनेजमेंट का पूर जोर जड़ा है उन्नीस सौ सतानवे और उन्होंने बयान है कि मैं सात जनवरी सतानवे में छुट्टी ते था मेरी गैर मौजूदगी दे विच ही ये पुलिस स्टाफ ने अशोक दे नाल कुटाही कीती है इस विच मेरा कोई कसूर नहीं है और जेडे पुलिस मुलाजम सात जनवरी सतानवे नूं मेरे नाल धक्का कीता है उन्होंने पुलिस मुलाजमान दे विचों दो बंदे दे मैनूं सिर्फ नाम याद है एक अश अपने बलवीर राम जी अते अश्विनी कुमार जाति गुजर जेड़े होर पुलिस मुलाजम है उन्होंने मैं नाम नहीं पता ये सारे लोग मैं इंज टुट के पै गए थे जिमें घनौर मगर पै जाता है इन्होंने बहुत सारे नाम लाए हैं साढ़े दफ्तर पहुंचे ने अशोक कुमार जी तो मेरी भी बेनती है कि जेडे भी इन्होंने रिलेटिव ने जिन्होंने इन्होंने तशद्दुद किया है जो टोपी का शिकार बने ने काम आदमी फिर तो कानून कहता हिंदुस्तान का कहदिया पुलिसों ने पुलिस साड़ी सुरक्षा लई है कानून सानू एक छतरी मुहैया करवाता है कि तुहाडे नाल कोई नजायज़ गल हुंदी है तो साढ़े तक पहुँच करो ये अशोक कुमार जी ने हुण हाईकोर्ट तक पहुँच की है और लोग हुण भी इन्हों कह रहे हैं भी असीं थोड़ा थोड़ा खोज मिटा देवे असीं तुहानू पार बुला देवे असीं तुहानू मार देवे मेरी बेनती है कि उन्हां लोगों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है कोर्ट का फैसला आने तो पहला जे अशोक कुमार जी कहते हैं इन्हों कुछ हो जाता है तो ये लोग जिम्मेवार ने अशोक कुमार जी साढ़े दफ्तर आने का थोड़ा लख लख धन्यवाद जी आया मैं A1 पंजाबी रोपड़ तो परविंदर मनोहर